Hello student, I am Narendra Mawat and in today's lecture we are going to discuss about the farsightedness. Farsightedness means hypermetropia. तो farsightedness का एक और नाम होता है आप लिख लें उसको भी hypermetropia and this is the second refractive errors of human eye. Refractive errors और ह्यूमन आई जो होती है उसकी पहली वाली एरर कौन सी थी, मायोपिया थी. उसके अब सारे टाइप पढ़ चुके अपन, है ना, कैसे उसका ट्रीट किया जाता है, क्या उसके कॉजेज होते हैं और उसके सिम्टम्स क्या है, वो सब अपन पढ़ चुके हैं. अब आप सेकेंड रेफ्रेक्टिव एरर में आते हैं और सेकेंड रेफ्रेक्टिव एरर है हमारी हाइपरमेट्रोपिया या फिर फार साइटेडनेस. देखो नाम से लग रहा है फार साइटेडनेस. फार साइटेडनेस का मतलब होता है दूर का नहीं दिखना. फार साइटेडनेस का मतलब होता है ऐसा लग रहा है अपने को देख के कि जैसे फार साइटेडनेस में क्या लग रहा है कि दूर का नहीं दिख रहा है. लेकिन एक्चुअल में मैंने क्या बताया था जब स्टार्टिंग करी थी लेक्चर की, मैंने तब मैंने बोला था कि फार साइटेडनेस और नियर साइटेडनेस जो नेम है इनका नेम का वो मतलब जो लिखा हुआ है वो होता है और जो लिखा हुआ नहीं है वो नहीं होता है. इसका कहने का मतलब ये हो रहा है कि जैसे नियर साइटेडनेस में क्या हो रहा था कि पास का तो दिख रहा था लेकिन दूर का नहीं दिख रहा था, वैसे ही फार साइटेडनेस का मतलब क्या हो जाएगा कि पास मतलब दूर का तो दिखाई देगा. फार मीन्स दूर, तो दूर का तो दिखाई देगा लेकिन पास का दिखाई नहीं देता. मतलब ऐसा लड़का या लड़की या कोई पर्सन जिसको पास की चीज़ें देखने में प्रॉब्लम आ रही है, वो कंप्यूटर पे वर्क कर रहा है तो वहाँ पर उसको दिखाई नहीं दे रहा ढंग से, या फिर बुक्स पढ़ने में दिक्कत आ रही है या पास की चीज़ों को देखने में दिक्कत आ रही है, तो हम कहेंगे कि उसको कौन सी प्रॉब्लम है, फार साइटेडनेस की प्रॉब्लम या फिर हाइपर मेट्रोपिया की प्रॉब्लम से है उसे, ठीक है ना. तो अब ये प्रॉब्लम जो होती है आप समझ चुके होंगे कि क्या प्रॉब्लम होती है. मतलब पास की चीज़ें आपको दिखाई नहीं देती है, दूर की चीज़ें दिखाई देती है. यानी पास की चीज़ दिखाई नहीं देने का मतलब ये हुआ कि ब्लर दिखाई देती है ना, धुंधले धुंधले से दिखाई देती है, उसको बोलते हैं फार साइटेडनेस, ठीक है. अब ये क्यों होता है ना, उसका रीज़न क्या होता है ना, तो रीज़न इसका मतलब रीज़न अपन बाद में पढ़ेंगे. अपन देखेंगे कि इमेज कहाँ बनता है, जो कहाँ प्रॉब्लम आ रही है. तो देखो फार साइटेडनेस की जो प्रॉब्लम होती है, नियर साइटेडनेस में इमेज कहाँ बन रहा था, रेटिना के पहले बन रहा था, ठीक है. वो फार साइटेडनेस में इमेज कहाँ बन रहा है, रेटिना के बाद में बन रहा है, ये पीछे की तरफ बन रहा है, जबकि नियर साइटेडनेस में इमेज पहले ही बन रहा था, ठीक है. तो इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर रेज जो है वो रेटिना के पीछे मिल रही है, इसका मतलब इमेज यहाँ पे बन रहा है, एक्चुअल विज़न यहाँ पर है. हम उसको कहाँ देख रहे हैं, हम उसको हमारी आँख यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रही है रेटिना पर उसको, क्योंकि हमको ब्लर दिखेगा, थोड़ा सा धुंधला मतलब बड़ा इमेज दिखेगा, इसी वजह से हम उसको देख नहीं पा रहे क्लियर, ठीक है. तो अब इस प्रॉब्लम को अपन हटाएं कैसे, ठीक है. तो हटाने के लिए आपने देखा होगा कि ये रेस दूर जा रही है, ये रेस यहाँ से आई और ऐसी दूर जा रही है, ऐसी आई और ऐसी मीटिंग कर रही है, तो ये कन्वर्ज कम हो रही है. मतलब अगर मैं इसको ज़्यादा मोड़ दूँ, जैसे कि ये रेज यहाँ आई और यहाँ से अगर ये ऐसी मुड़ जाए, यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ पर मुड़ जाए, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. इसके लिए क्या करेंगे, हम एक कन्वर्जिंग लेंस यूज़ करेंगे, एक ऐसा लेंस यूज़ करेंगे जो रेज को ज़्यादा मोड़ दे. तो देखो ध्यान से, ये रेज यहाँ पर मीटिंग कर रही थी, अगर मैं यहाँ पर एक लेंस लगा दूँ, कॉन्वेक्स लेंस लगा दूँ ऐसा, तो क्या होगा, तो ये तीनों रेज जो है ये थोड़ी सी झुक जाएगी यहाँ से. कैसे झुक जाएगी, तो यहाँ से झुक कर ये यहाँ मीटिंग करेगी, यहाँ से झुक कर ये यहाँ मीटिंग करेगी, तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ भैया करेक्शन सॉल्व हो चुका है, ठीक है. तो फार साइटेडनेस को कैसे रिमूव करेंगे अपन, कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करके, ठीक है, आँख के जैसा लेंस यूज़ करेंगे कॉन्वेक्स लेंस, और नियर साइटेडनेस को कॉनकेव लेंस यूज़ करके सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है. अब अपने पास में आता है कि इसका ट्रीटमेंट और ये कैसे किया जाता है सारी चीज़ें, ठीक है ना. उससे पहले अपन देखेंगे सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके साइन कैसे पता चलेगा कि उसको फार साइटेडनेस है ना, या फिर उसके सिम्टम्स क्या होते हैं. तो देखो इन यंग पेशेंट, जो यंग लोग होते हैं उनके अंदर ना, मिल्ड हाइपरमेट्रोपिया में नॉट प्रोड्यूस एनी सिम्टम्स. जो यंग पेशेंट होते हैं उनके अंदर मतलब ऐसे दिखावटी टाइप के सिम्टम्स नहीं होते हैं. द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ फार साइटेडनेस इंक्लूड ब्लरी विजन. आपको एक ही डायरेक्टली पता चल जाएगा कि विजन जो वो कैसा है, ब्लर्ड है ना. दूसरा क्या है, फ्रंटल और फ्रेंटो टेम्पोरल हेडेक, उसको हल्का हल्का सा हेडेक महसूस होगा जब वो पास की चीज़ें देखेगा, तब आई में बहुत ज़्यादा स्ट्रेन होगा, है ना, तनाव जिसको अपन बोलते हैं बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, आँखें दर्द करेगी उसकी, ठीक है.
और टायर्डनेस आएगी उसके अंदर, है ना, आलस जैसे फीलिंग होगी उसको, अगर वो किसी चीज़ को, पास की चीज़ों को देखेगा तो आंखें दर्द करेगी। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती है छोटी मोटी, है ना, वो क्या है, सिम्टम्स है कि उसको फास्ट साइटेडनेस की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो कॉमन सिम्टम्स इज़ आई स्ट्रेन, ये सारे कॉमन सिम्टम्स है आई स्ट्रेन के। ठीक है ना, नाउ डिफ़िकल्टी सीइंग विथ बोथ आइज, दोनों आँख से देखने पर भी उसको क्या हो रहा है, डिफ़िकल्टी आ रही है। मे ओकर्स एंड एज वेल एज डिफ़िकल्टी विथ डेप्थ पेनिट्रेशन, वो ज़्यादा अंदर की चीज़ें कुछ देख नहीं पा रहा है, इंटरनली ऐसा है ना, चीज़ों को देख नहीं पा रहा है। ठीक, नेक्स्ट है द एस्थेनोपिक सिम्टम्स एंड नियर ब्लर आर यूजली सीन आफ्टर क्लोज वर्क, इसेंशली इन द इवनिंग और नाइट टाइम। इवनिंग और नाइट टाइम पर उसको बिल्कुल दिखना क्या हो जाएगा, बिल्कुल ब्लरी हो जाएगा। ये सारे सिम्टम्स है किसके, फास्ट साइटेडनेस के। तो मेनली सिम्टम्स क्या है अपने पास में, ब्लरी विजन, ठीक है, हेडेक होना, आई स्ट्रेन, आई में तकलीफ होना, आंखें दर्द करना, और नाइट के टाइम पर या इवनिंग टाइम पर उसको बहुत ज़्यादा ब्लरी विजन होना, बहुत ज़्यादा ब्लर दिखाई देना। ये सब है अगर किसी पर्सन को, तो हम कहेंगे कि उसको फास्ट साइटेडनेस की प्रॉब्लम है या फिर हाइपरमेट्रोपिया है उसको। ठीक है, नाउ कॉम्प्लिकेशंस की अगर पर हम बात करते हैं कि अब कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, तो फार साइटेडनेस कैन हैव रेड कॉम्प्लिकेशंस सच एज स्ट्रैबिस्मस एंड एम्ब्लियोपिया एट अ यंग एज, है ना। सर्वर फार साइटेडनेस कैन कॉज द चाइल्ड टू हैव डाउट विजन एज अ रिजल्ट ऑफ ओवर फोकसिंग। ठीक है, छोटे एज जो होती है, छोटे जो बच्चे होते हैं, वो क्या है कि उनकी जो फोकसिंग होती है यंग एज में, ओवर फोकसिंग की जो प्रॉब्लम होती है, मतलब पर्टिकुलरली फोकस ही नहीं कर पा रहा है। ठीक है, हम फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। सो हाइपरमेट्रोपिक पेशेंट्स विथ शॉर्ट एक्सियल लेंथ आर एट हायर रिस्क ऑफ डेवलपमेंट प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। सो रूटीन गोनियोस्कोपी एंड ग्लूकोमा इवेल्युएशन इज रिकमेंडेड फॉर ऑल हाइपरमेट्रोपिक एडल्ट्स। तो जो बड़े लोग जो होते हैं, या फिर जो यंग होते हैं, यंगर के अंदर अगर अपन इस चीज़ को देखते हैं, यंग मैन के अंदर, तो हमें सबसे पहले जो चेक करने की ज़रूरत पड़ती है रूटीन वर्क पे, ठीक है, वो इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है कि सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो स्ट्रैबिस्मस है वो, और एम्ब्लियोपिया की प्रॉब्लम को चेक करेंगे। दूसरा अपन उसको ग्लूकोमा के चेक करेंगे कि क्या वाकई में जो प्राइमरी एंगल हो रहा है ना, जो आई पर जो एंगल बन रहा है, एक्सियल पे एंगल जो बन रहा है, वो कितने रिस्क पर है, वो हायर रिस्क पर है या नहीं। ठीक है, दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, अब कॉजेस की बात करते हैं कि ये हुआ फास्ट साइटेडनेस हुआ या हाइपरमेट्रोपिया हुआ है तो क्या रीज़न रहा होगा इसके पीछे, क्यों हुआ, है ना, किस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो सिंपल हाइपरमेट्रोपिया द कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, सिंपल वाला जो होता है वो कॉमन प्रॉब्लम है, एंड इट इज़ कॉज्ड बाय द नॉर्मल बायोलॉजिकल वेरिएशन इन द डेवलपमेंट ऑफ द आईबॉल। एक्चुअली क्या होता है कि आपकी जो आईबॉल होती है उसका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता। प्रॉपर डेवलपमेंट का मतलब जो आईबॉल का जो साइज़ है, कितना बताया था मैंने आपको कि 24 mm से लेकर 25 mm का जो होता है वो आईबॉल का साइज़ होता है। ठीक है, तो एक्चुअल में वो साइज़ नहीं होकर आई बॉल क्या हो गई, का डेवलपमेंट रुक गया, आई बॉल छोटी रह गई है। आई बॉल अगर छोटी रह जाती है तो ऑब्वियस है कि जो इमेज बनना चाहिए था आई बॉल उससे छोटी पड़ गई है ना। तो आई बॉल के छोटे पड़ जाने से हमारी जो आँख है ना, वो एक्चुअल में आई बॉल ये होनी चाहिए थी, है ना, इतनी बड़ी होनी चाहिए थी, लेकिन गल किस कारणवश क्या हो गई है, आई बॉल जो है वो इतनी बड़ी बनी है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ही बन गई। सोचो कि जो इमेज कहाँ बन रहा था, यहाँ पे बन रहा था, वो यहाँ पे बनना चाहिए था, वो यहाँ पे बन रहा पीछे। तो ये डिस्टेंस जो बची है, ये आपको क्या बताएगी कि फार साइटेडनेस की उसको प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अब फार साइटेडनेस की प्रॉब्लम है, तो पहली प्रॉब्लम हो गई है कि भाई इरेगुलर डेवलपमेंट ऑफ आई, या फिर क्या कहूँगा, बायोलॉजिकल वेरिएशन, नॉर्मल बायोलॉजिकल वेरिएशन इन द ह्यूमन आईबॉल। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो क्या हो सकता है इसका कोर्स, कि एटियोलॉजिकली
कॉजेज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया कैन बी क्लासिफाइड एज। टियोलॉजिकली अगर अपन बात करते हैं तो एक्सियल एक्सियल को देखते हैं तो वो ही अपने को बताएगा जो एक्सिस होता है जहाँ से प्यूपिल से लाइट एंटर्ड होती है और रेटिना पर जो इमेज बनाते हैं। तो मैं एक्सियल पोजीशन की बात कर रहा हूँ। सो एक्सियल हाइपरमेट्रोपिया ओकर्स व्हेन द एक्सियल लेंथ ऑफ द आईबॉल इज शॉर्ट, मतलब यानी आईबॉल का जो लेंथ है 24 से 25 mm का वो इतना नहीं है, उससे छोटा है, कम है। सो अबाउट 1 mm डिक्रीज इन एक्सियल लेंथ। अगर मान लेते हैं कि आपकी जो आईबॉल है वो 24 से 25 मिलीमीटर होनी चाहिए, लेकिन 24 भी नहीं है, 25 भी नहीं है, कितनी है 23 या 22 mm है, कितनी है 23 mm है, 22 mm है। 1 मिलीमीटर के कम हो जाने से कितना प्रॉब्लम होगी आई में, तो आई की जो अकोमोडेशन पावर है वो 3 डायप्टर कम हो जाएगी, 3 डायप्टर। सो 1 mm आई बॉल छोटी हो जाने से 3 डायप्टर कम हो रहा है, इसका मतलब आप कहेंगे कि प्लस 3 का उसको लेंस लगेगा, कौन सा वाला, कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ पे प्लस यूज़ कर रहा हूँ, क्यों प्लस यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, प्लस होती है, इसलिए उसकी पावर भी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो एक याद रखना है इसको, है ना। अगर मान लेते हैं कि आई बॉल की जो लेंथ है एक्सियल लेंथ, है ना, एक्सियल लेंथ कहूँ कि मतलब जो मान लेते हैं कि ये आई है आपकी, है ना, एक्सियल लेंथ बताता हूँ मैं आपको, है ना, इसको एक्सियल लेंथ बोलते हैं। ये रेटिना से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ होती है डेट इज़ एक्सियल लेंथ होती है, ये कितनी होनी चाहिए 24 से 25 मिलीमीटर होनी चाहिए। अगर ये 23 मिलीमीटर हुई, इसका मतलब उसको प्लस 3 डायप्टर का कॉन्वेक्स लेंस यहाँ आपको लगाना पड़ेगा, प्लस 3 डायप्टर का, क्या करने के लिए, इसको करेक्ट करने के लिए, तब जाके इमेज यहाँ पर बनेगा। अदरवाइज अगर ये नहीं लगाया तो डायरेक्ट इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ पीछे बनेगा। ठीक है, चल आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो पहली प्रॉब्लम कौन सी है, पहला कॉज, पहला जो रीज़न वो क्या है, एक्सियल शॉर्ट लेंथ, है ना। एक्सियल शॉर्ट लेंथ मतलब आईबॉल की जो एक्सियल लेंथ है वही क्या है, शॉर्ट है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। 1 mm में अगर शॉर्ट होती है तो 3 डायप्टर की प्रॉब्लम आती है। ठीक है ना, सो वन कंडीशन दैट कॉज एक्सियल हाइपरमेट्रोपिया इज नैनोथेलमोस, है ना, नैनोथेलमोस। इसका मतलब वन कंडीशन दैट कॉज एक्सियल हाइपरमेट्रोपिया इज नैनोप्थेल्मोस। नैनोप्थेल्मोस मतलब मान लो किसी बंदे को इसको बोला है, इस कंडीशन को नैनोप्थेल्मोस बोला है ना, मतलब मान लेते हैं कि 1 mm नहीं है, उससे भी और कम है, थोड़ी सी स्लाइटली अगर कहें अपन के 0.1 mm है, 0.1 mm में तो कितना डायप्टर हो जाएगा, अगर 0.1 mm है तो डायप्टर में आप कितने का डिवाइड कर दोगे, 10 का डिवाइड कर दोगे, मतलब हम कहेंगे 0.3 का इसको चश्मा लगेगा या इसको स्पेक्स लगेगा। स्पेक्स लगने का मतलब उस स्पेक्स के अंदर क्या है, स्पेक्स के अंदर कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ रहता है। ठीक, नेक्स्ट होता है कर्वेचर। ठीक है, कर्वेचर जो होता है, एक तो किसका, प्यूपिल का कर्वेचर होता है, और एक आईबॉल का लेंस का कर्वेचर होता है, और एक उसका कॉर्निया का कर्वेचर होता है। तो अपन जो बात कर रहे हैं लेंस और कॉर्निया के कर्वेचर की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, सो कर्वेचर हाइपरमेट्रोपिया होता है, तो कर्वेचर हाइपरमेट्रोपिया ओकर्स व्हेन कर्वेचर ऑफ लेंस और कॉर्निया इज फ्लेटेड देन नॉर्मल। जो कर्वेचर है वो नॉर्मल कर्वेचर जो होता है, मान लो वो ऐसा है, ये नॉर्मल कर्वेचर है, तो ये नॉर्मल नहीं, ये कैसा हो गया, फ्लेटेड हो गया। ठीक है, अबाउट 1 mm इंक्रीज इन रेडियस ऑफ कर्वेचर रिजल्ट्स इन 6 डायप्टर। अगर मान लेते हैं कि जो वो जैसे मार्बल्स होती है ना, आपने देखी होगी, जिसको कंचे बोलते हैं ना, ग्लास के बने होते हैं, वैसी वैसी दिखनी चाहिए आगे वाला जो लेंस है ना आपको, वैसा वाला। अगर मान लेते हैं कि ये कर्वेचर थोड़ा सा झुक गया है, ये वाला मान लो इनिशियल है, और ये ऐसा नहीं हो के कैसा होगा, थोड़ा सा कर्व शेप में हो गया, तो मान लेते हैं कि इसकी रेडियस कितनी थी और इसकी रेडियस कितनी, तो उसकी रेडियस में अगर मान लो 1 mm का भी डिफरेंस आया, अगर उसकी कर्वेचर के रेडियस में कितना डिफरेंस आया, 1 mm का भी डिफरेंस आया, 1 mm भी रेडियस अगर उसकी बढ़ गई, तो हम कहेंगे कि उसको 6 डायप्टर का लेंस लगाना पड़ेगा, कौन सा वाला, कॉन्वेक्स लेंस। आपको समझ में आ गई होगी बात। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। दूसरी चीज़ कि कॉर्निया इज़ अ फ्लेटर इन माइक्रो कॉर्निया एंड कॉर्निया प्लेन, है ना। नेक्स्ट इंडेक्स की बात करते हैं। इंडेक्स मतलब एज वाइज, है ना, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है,
आंखों की जो देखने की एबिलिटी होती है, एकोमोडेशन होती है, वो भी कम होती है ना, वहाँ पे हाइपोमेट्रोपिया और मायोपिया कॉमन चीज़ हो जाती है। ठीक है, चलो। तो एज वाइज अगर देखें तो एज रिलेटेड चेंजेस इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका मतलब क्या होता है कि जो कॉर्टिकल है ना स्क्लेरिसिस होता है, जो मैंने बताया था कि जो विट्रियस लिक्विड जो होता है, जो आई लेंस के अंदर जो लिक्विड होता है, और जो कॉर्निया और आई लेंस के बीच में जो लिक्विड होता है ना, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होने से कन्वर्जिंग पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ध्यान से सुन लेना इसको, हाइपरमेट्रोपिया में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है लिक्विड का, तो कन्वर्ज करने की पावर कम हो जाती है। तो कन्वर्ज करने की पावर कम होने से वो रेटिना पे कन्वर्ज होना चाहिए था, आँख के रेटिना पर कन्वर्ज होना चाहिए था, जो भी इमेज है वो यहाँ पे कन्वर्ट, क्यों पावर कम हो गई तो कन्वर्ज कहाँ होगा, कन्वर्ज जब कम कन्वर्ज होगा तो इमेज पीछे बना रहा है, बस यही एक प्रॉब्लम है जिससे ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये इंडेक्स की बात कर रहे हैं, मतलब रेफ्रेक्टिव इंडेक्स। तो एक एक्सेल हो गया, कर्वेचरल हो गया, लेंस का कर्वेचर ज़्यादा होना है ना, दूसरा इंडेक्स हो गया है, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स मतलब है ना। नेक्स्ट होता है पोजिशनल, पोजिशनल मतलब लेंस डिस्टर्ब हो गया है। तो देखो ये सारी प्रॉब्लम्स किस में आ गई थी, मायोपिया में। मायोपिया में क्या हो गया था, मायोपिया में आईबॉल जो है वो इलोंगेट हो गई, बढ़ गई थी, यहाँ पे आईबॉल क्या हो गई, छोटी हो गई। वहाँ पे कर्वेचर क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, रेडियस उसकी इंक्रीज हो रही थी, यहाँ पे रेडियस क्या हो रही, इंक्रीज हो रही है। वहाँ पे रेफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो रहा था, ज़्यादा हो गया था, यहाँ पर रेफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, कम हो गया। ये लिख लेना अलग अलग डिफरेंस दोनों के ना। नेक्स्ट पोजिशनल की बात करें तो वहाँ पे जो पोजिशनल है वो भी शिफ्टिंग की वजह से क्या हो रहा था, वहाँ पे ऐसा शिफ्ट हुआ था कि इमेज का मतलब पहले बन रहा था, यहाँ पे कैसा शिफ्ट होगा, इस तरीके से शिफ्ट होगा कि इमेज का बनेगा, रेटिना के बाद में बनेगा, बाकी सब कुछ सेम सेम है। ठीक है ना, कुछ इंजरी की वजह से ये बोल रहा है कि पोजिशनल हाइपरमेट्रोपिया ऑकर्स ड्यू टू दी पोस्टेरियर डिसलोकेशन ऑफ द लेंस, पोस्टेरियर डिसलोकेशन मतलब लेंस पीछे की तरफ हट गया है। इट मे ऑकर्स ड्यू टू ट्रूमा, मतलब ये किसी भी इंजर्ड की वजह से या फिर एक्सीडेंट वैक्सीडेंट की वजह से कुछ भी हो गया, ऐसी प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से भी हाइपरमेट्रोपिया हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्जुकेटिव, कॉन्जुकेटिव हाइपरमेट्रोपिया ओकर्स ड्यू टू सर्जिकल ओवर करेक्शन ऑफ मायोपिया और सर्जिकल अंडर करेक्शन इन द कैटरेक्ट सर्जरी। मान लो एक पर्सन है, उसको ऑलरेडी मायोपिया की प्रॉब्लम है या कैटरेक्ट की सर्जरी करी है उसकी, तो उस केस में कुछ ओवर सर्जरी हो गई है, करेक्शन जो किया वो ओवर करेक्शन हो गया, मतलब वो जो उन्होंने जो करेक्शन किया था उन प्रॉब्लम मायोपिया और कैटरेक्ट को सोल्व करने के लिए, तो वो करेक्शन उन्होंने ओवर कर दिया, ज़्यादा कर दिया, तो उस वजह से भी जो प्रॉब्लम आती है वो हाइपरमेट्रोपिया होती है, और उसको बोलते हैं कॉन्जुकेटिव हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। तो देखो अलग अलग नाम से अलग अलग हाइपरमेट्रोपिया भी बन गए, कौन कौन से बने अपन पढ़ लेते हैं एक बार और फटाफट जल्दी से। एक्सेल से जो बना उसको क्या बोलते हैं अपन, एक्सेल हाइपरमेट्रोपिया। कर्वेचर से जो बना उसको कर्वेचरल हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। इंडेक्स से जो बना उसको इंडेक्स हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, और पोजीशन से जो बना उसको पोजिशनल हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, और कॉन्जुकेटिव से बना उसको कॉन्जुकेटिव हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। नेक्स्ट आता है अपने पास में फंक्शनल हाइपरमेट्रोपिया। फंक्शनल का मतलब कि सपोज अपनी आई जो है उसकी एकोमोडेशन क्या हो गई है, स्थिर हो गई है, चलना फिरना बंद हो जाता है ना, जैसे पैरालिसिस बोलते हैं ना अपन, पैरालिसिस की प्रॉब्लम आती है तो चलना ही नहीं, हाथ पैर कल नहीं हिल पाता है, तो वैसे हमारे आई की जो एकोमोडेशन है वो भी क्या, पैरालिसिस हो गई है। तो ये बोलता है फंक्शनल हाइपरमेट्रोपिया ओकर्स वैन द अकोमोडेशन ऑफ आई इज पैरालिसिस या पैरालिसिस ऑफ अकोमोडेशन। हमारी आई की जो अकोमोडेशन, जो इमेज बनाने की जो एबिलिटी है ना कर्वे मतलब रेटिना पर, वही क्या हो गई है, पैरालिसिस हो गई है, द पैरालिसिस ऑफ अकोमोडेशन, जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम आती है एज सीन इन इंटरनल एप्थेल्मोप्लेजिया। ठीक है ना, तो ये फंक्शनल हाइपरमेट्रोपिया होता है ना, जब अकोमोडेशन पावर क्या होती है, पैरालिसिस हो जाती है। नेक्स्ट जो हाइपरमेट्रोपिया की प्रॉब्लम आती है वो आती है एब्सेंस ऑफ लेंस। मान लेते हैं कि लेंस ही डिस्टर्ब है, डिस्टर्ब मतलब डैमेज है या कुछ भी है, ठीक है ना, तो या एब्सेंस है, लेंस है नहीं है ना, ये तीन प्रॉब्लम्स हो सकती है साथ में। तो एब्सेंस ऑफ लेंस में जो आती है, मैंने बताया अफेकिया प्रॉब्लम होती है, अफेकिया को अपन क्या बोलते हैं, एब्सेंस ऑफ लेंस को बोलते हैं अफेकिया, है ना। सो कॉन्जेनिटल और एक्वायर्ड अफेकिया कॉजेज हाई डिग्री हाइपरमेट्रोपिया। अगर लेंस एब्सेंस है आई के अंदर तो हम कहेंगे कि जो हाइपरमेट्रोपिया उसकी डिग्री बहुत हाई है, ठीक है, उसके लिए आपको बहुत हाई करेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये कुछ कॉजेज थे अपने पास में, याद रखना, एक्सियल, कर्वेचरल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स,
पोजिशनल, कॉन्जुकेटिव, फंक्शनल और एब्सेंस ऑफ लेंस। ठीक है, डायग्नोसिस कैसे डायग्नोस किया जाता है। ठीक है, डायग्नोस करने के लिए, हाइपरमेट्रोपिया को डायग्नोस करने के लिए आप लोग कोई इंस्ट्रूमेंट है फटाफट इसको लिख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। डायग्नोस करने के लिए अपने पास में है फार साइटेडनेस के लिए अपन रेटिनोस्कोप यूज़ करते हैं। ठीक है, क्या यूज़ करते हैं अपन, रेटिनोस्कोप और एन ऑटोमेटेड रिफ्रैक्टिव ऑब्जेक्ट रिफ्रैक्शन और ट्रायल लेंसेस इन अ ट्रायल फ्रेम और अ फोरोप्टर टू ऑप्टेन अ सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन। ये लिख लो आप पूरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक, वहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो ये क्या होते हैं इक्विपमेंट, मतलब ये कुछ है ना, रेटिनोस्कोप जो होता है ये अपने को यूज़ करते हैं डायग्नोसिस करने के लिए कि हाँ भैया वाकई में इसको क्या है, हाइपरमेट्रोपिया की प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अपने पास में क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, है ना। तो क्लिनिकल अपरेंसेस के हिसाब से और इट्स सर्वेरिटी के हिसाब से इसको अपने अलग अलग अकोमोडेशन लेवल पर, अकोमोडेशन स्टेटस को देखने के लिए अपने ने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो क्लिनिकल क्लासिफिकेशन और एक क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू दी सेवेरिटी। ठीक है, तो क्लिनिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से देखें तो सिंपल, पैथोलॉजिकल एंड फंक्शनल। सिंपल में क्या होता है, नेचुरली ओकर होता है, सिंपल मतलब यानी कि आईबॉल का छोटा हो जाना। ठीक, पैथोलॉजिकल अगर हुआ है तो वो बीमारी की वजह से होता है, एक्सीडेंट की वजह से होता है, एबनॉर्मल डेवलपमेंट की वजह से होता है, ट्रोमा वगैरह कुछ भी हुआ तो पैथोलॉजिकल हो जाएगा। मतलब नेचुरली हुआ है तो सिंपल, है ना, और आर्टिफिशियल तरीके से हुआ है, टकराने से, आँखों में कुछ गिर जाने से या फिर आँखें अंदर वंदर कुछ भी हो जाने से, एक्सीडेंट वेक्सीडेंट कुछ भी हो जाए तो उसको पैथोलॉजिकल। फंक्शनल का मतलब होता है कि भैया हम से हमारी बॉडी में ऐसा कुछ इन्फेक्शन हुआ है कुछ भी हुआ जिसकी वजह से हमारी आई की अकोमोडेशन अपने आप क्या होगी, पैरालिसिस हो गई है। तो कॉज्ड बाय पैरालिसिस दैट इंटरफेयर्स आईज एबिलिटी टू अकोमोडेट, अकोमोडेट आई की एबिलिटी क्या हो गई, अकोमोडेट एबिलिटी कम हो गई। ठीक है, तो तीनों समझा दिए, सिंपल बाय नेचुरल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल चेंजेस की वजह से है ना, पैदाइशी हमारे आँख का जो रेट आई बोले वो क्या है, लेंथ उसकी कम है। ठीक, नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू दी सर्वेरिटी, सो वो भी तीन टाइप के होते हैं। ठीक है ना, लो, मॉडरेट एंड हाई। तो लो हाइपरमेट्रोपिया अपन किसको कहेंगे, अगर मान लेते हैं कि रेफ्रेक्टिव इरर है अपने आई में फार साइटेडनेस की या हाइपरमेट्रोपिया की और वो करेक्ट हो रही है प्लस टू डायोप्टर लेंस से हो रही है, या फिर मैं कहूँगी कि उसकी जो आई की करेक्शन है वो प्लस टू डायप्टर है तो हम कहेंगे कि लो है भैया, या प्लस टू से अंदर है तो हम क्या कहेंगे, लो हाइपरमेट्रोपिया है। मॉडरेट है मतलब बीच वाला तो वो ग्रेटर देन टू डायप्टर और अप टू फाइव अगर है लेंस की पावर उसमें यूज़ हो रही है उसको करेक्ट करने के लिए तो हम कहेंगे कि मॉडरेट है, और मोर देन फाइव अगर है प्लस फाइव, ध्यान रखना मोर देन प्लस फाइव डायप्टर अगर यूज़ कर रहे हो आप लेंस उसको करेक्ट करने के लिए दैट इज़ हाई हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, अब कंपोनेंट्स ऑफ हाइपरमेट्रोपिया के कंपोनेंट्स की अगर बात करें तो कुछ कंपोनेंट्स है, अकोमोडेशन है सिग्निफिकेंट रोल इन द हाइपरोपिया या हाइपरमेट्रोपिया की बात है। कंसिडरिंग अकोमोडेटिव स्टेटस हाइपरोपिया कैन बी क्लासिफाइड एज टोटल हाइपरमेट्रोपिया। सो टोटल अगर होता है तो उसको अपन कैसे देखेंगे, इट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ हाइपरोपिया विच इज़ ऑब्टेंड आफ्टर कंप्लीट रिलैक्सेशन ऑफ द अकोमोडेशन यूजिंग दी साइक्लोप्लेजिक्स। ठीक है, साइक्लोप्लेजिक्स जो होता है उसको यूज़ करने के बाद में जो आई को अपन दिखाते हैं जो है ना एक बॉक्स होता है इसके अंदर कुछ वर्ड्स वगैरह लिखे होते हैं पूरे, है ना, उसको साइक्लोप्लेजिक्स बोलते हैं। ठीक है ना, तो उसको दिखाने के बाद में जो आई में टोटल चेक किया गया कि एक्चुअल में कितना अमाउंट का इसको हाइपरमेट्रोपिया की प्रॉब्लम है इसको। ठीक है, तो दैट इज़ टोटल हाइपरमेट्रोपिया। फिर आते हैं लेटेंट हाइपरोपिया या लेटेंट हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है ना, हाइपरमेट्रोपिया, सो इट इज़ द अमाउंट ऑफ हाइपरोपिया या हाइपरमेट्रोपिया नॉर्मली करेक्टेड बाय द स्लियरी टोन्स, स्लियरी मसल्स जो होती है ना, स्लियरी टोन्स अप्रोक्सीमेट वन डायप्टर, एक डायप्टर का आपने ना लेंस यूज़ कर लिया और वो अगर करेक्ट हो रहा है तो उसको लेटेंट हाइपरोपिया बोलते हैं। फिर मिनिफेस्ट
हाइप्रोपिया। सो इट इज़ द अमाउंट ऑफ हाइप्रोपिया नॉट करेक्टेड बाय स्लेरी टोन्स, जो स्लेरी टोन से करेक्टेड नहीं होता है उसको बोलते हैं अपन मैनिफेस्ट हाइप्रोमेट्रोपिया। एंड इट इज़ फर्दर क्लासिफाइड इंटू टू टू कैटेगरीज। पहली कैटेगरी इसके अंदर है फैकल्टेटिव हाइपरमेट्रोपिया, सेकेंड इज एब्सोल्यूट हाइपरमेट्रोपिया। फैकल्टेटिव की अगर आप बात करते हैं, इट इज़ द पार्ट ऑफ द हाइप्रोपिया करेक्टेड बाय द पेशेंट्स अकोमोडेशन, पेशेंट की जो अकोमोडेशन है उसको करेक्टेड कर रहे तो ये हो जाएगा। और एब्सोल्यूट हाइप्रोपिया, इट इज़ द रेसिडुअल पार्ट ऑफ द हाइप्रोपिया विच कॉजेज ब्लरिंग ऑफ अ विजन फॉर द डिस्टेंस, जो डिस्टेंस पर दूरी पर इमेज को क्या कर रहा है, ब्लर कर रहा है। ट्रीटमेंट कैसे करते हैं इसका, तो ट्रीटमेंट के लिए आप यूज़ करोगे करेक्टिव लेंसेस में कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, सबसे मेन यूज़ होता है इसका। आई ग्लासेस यूज़ कर सकते हो, सर्जरी भी करवा सकते हो, सर्जरी के लिए आपके पास में लेज़र प्रोसीजर है, तो ये प्रोसीजर आपको पूरे नहीं पढ़ने, सिर्फ नाम नाम याद रख लेना, फोटो रिफ्रेक्टिव केरेटेक्टोमी, ठीक है। नेक्स्ट है लेज़र असिस्टेड इन सीटू केरेटोमेलेसिस, है ना, ये सारी मेथड्स है लेज़र थेरेपी करने की। वैसे तो कॉन्वेक्स लेंस से हो जाता है, अगर फिर भी नहीं होता तो लेज़र प्रोसेसर यूज़ करते हैं। एक है जो एब्सेंस ऑफ लेंस होता है तो वहाँ पे ये वाली सर्जरी की जाती है और इम्प्लांटेशन किया जाता है लेंस का, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं IOL बोलते हैं अपन, है ना। IOL का मतलब होता है कि आप जो आई लेंस है उसको इम्प्लांट कर रहे हो, नया वाला लेंस डाल रहे हो आई के अंदर, ठीक है ना। सो इसको ऑफेकिया करेक्शन भी बोलते हैं। सो हाई डिग्री हाइपरमेट्रोपिया ड्यू टू एब्सेंस ऑफ लेंस, जिसको ऑफेकिया बोलते हैं, एंड इज़ बेस्ट करेक्टेड यूजिंग द इंट्रोक्यूलर लेंस इम्प्लांटेशन। इंट्रोक्यूलर लेंस इम्प्लांटेशन मतलब IOL, ठीक है ना, तो उससे उसको करेक्ट किया जाता है, लेंस को इम्प्लांट किया जाता है। अब नो लेजर लेज़र प्रोसीजर भी आप पढ़ लेना, सिर्फ नाम नाम याद रखना, CK हो गया है, ठीक है, कंडक्टिव केरेटोप्लास्टी, ठीक, ये कुछ मेथड से डायरेक्टली इसके नाम नाम याद रखने आपको, ठीक है ना, ALK हो गया है, ठीक। चलिए तो आज के लेक्चर में इतना ही है, ये पूरा हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटेडनेस या हाइप्रोपिया ख़त्म हो चुका है, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन।